सामने के बाद फिलहाल ग्वालियर रेड कलर की जर्सी में टीम बनी, व्हाइट और हल्का से ब्लू कलर की जर्सी में टीम सब शुरुआत हुई है दोनों टीमों की एक एक पॉइंट्स के सहारे। अब तीन नंबर की जर्सी में ग्वालियर की रेड लेकर के साथ का फुल हाउस देखना होगा। मध्य प्रदेश कबड्डी में धार ने पिछले दिनों बहुत अच्छी प्रदर्शन की है, बॉयज और इस तरीके से चुनौती दे पाएंगे देखना होगा। इसी बीच ग्वालियर दो पे, धार एक पॉइंट पे, धार की रेड इसी बीच रनिंग किक की कोशिश। चार नंबर की जर्सी खिलाड़ी रेड की कमाल लेते थे बेहतरीन मुकाबला दूधिया रोशनी में समय चिमरने का छोटे से पलक झपका शानदार अंदाज में पॉइंट लेकर आए ग्वालियर के लिए। ग्वालियर का डिफेंस इस बीच पहले एंकल पे गए, फिर पूरा डिफेंस ने कॉम्बिनेशन से इस बार अटैक किया। ग्वालियर अपने स्वाभाविक अंदाज में शुरुआत की है इस टीम ने, देखना होगा पांच के डिफेंस में इसी बीच और देखना होगा इसी बीच धार की रेट। ग्वालियर का सात का डिफेंस उस समय लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में है, राइट कवर भी चेन में इसी बीच आक्रामक होकर के डिफेंस इनकी अपनी भूमिकाओं को क्या इस टीम ने कबड्डी के कोर्ट पे चरितार्थ और फलीभूत किया है। और इसी बीच ग्वालियर की रेट बेहतरीन मुकाबला चार के शुरुआती लम्हों का भी इस समय ब्रेडर अपने कोर्ट पे जिस तरीके से कबड्डी इन दिनों लोकप्रियता के बिल्कुल नए शिखर पे है और वो दिन दूर नहीं। जब रेठिया अपने जौहर दिखाती है फिलहाल टू अढ़ाई ब्रेड इसे बीच क्या शानदार ब्रेड इसे बेहतरीन अंदाज है। कशिश राणा ने खूबसूरती से अपने संप का इस्तेमाल किया। कोर्ट नंबर दो भी गुलजार हो रहा है शानदार रोमांचक पलों से, जहां जबलपुर की टीम एक बेहतरीन टीम मानी जाती है, भिड़ गई है वहां पे शहडोल से, जबलपुर की लीड देखी जा सकती है। जबरदस्त मुकाबले ढलती शाम के बीच जन्माष्टमी का पावन त्योहार है और बहुत ही संयोग का विषय कि कबड्डी जिंदा खूबसूरती से टैकल किया अमन ने और अब अमन एक वापस रेड की कमाल लेकर के अमन ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम के अमन चैन नहीं लेने दी है जिस खूबसूरती से खेल गई है। सब बेहतरीन मुकाबला धार की रेड की कमाल लेते थे डिफेंस फलाल से बीच में बात करें ग्वालियर का सात का फुल हाउस है इस बार थाई होल्ड किया खूबसूरती से और बहुत ही शानदार शुरुआत इस समय ग्वालियर की। ग्वालियर इस मुकाबले में 14 पॉइंट पे और धार एक पॉइंट पे इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं डॉक्टर गुलबहार खान साहब, अलका मैम और पुष्पा रघुवंशी मैम। इस कोर्ट पे हमें मार्गदर्शन और सानिध्य मिल रहा है जैसे शर्मा साहब का, पतिराज सिंह बघेल साहब का, शानू भिया और समाधानी मोहन चौहान साहब के मार्गदर्शन में। मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के हमारे जनरल सेक्रेटरी और डबल थाई होल्ड खूबसूरती से भूमिका ग्वालियर के लिए डिफेंस और रेड दोनों में तरफ धार के खिलाफ धार के खिलाड़ियों को मनोबल अभी राजन राजंदी राजनंदनी गनोरे हस्टल स्कोर टेमरनी से पुष्पा जी रेस्ट कर लीजिए। वापस स्वागत है अभिमान आप सभी के जो मेन कोच हैं जयेश परमार साहब जो जूनियर में मध्य प्रदेश के लिए मेडल ला चुके हैं। लगा इसी बीच बात करें धार को, धार इस समय चार पॉइंट पे और ग्वालियर दूसरी तरफ इस समय 22 पॉइंट पे जबरदस्त लीड में देखने को मिल रही ग्वालियर के पक्ष में इस समय। जो अंकित जोशी जी की है वो भी एक फेवरेट टीम मानी जा रही है, ऐसी कई टीमें जिनके मुकाबले बड़े रोचक रहेंगे। आप हम तक बने रहे ऐसे ही आप तक के कई